साथियों, हम इस वक्त हैं गौरा देवी चौक में, और गौरा देवी को आप जानते ही हैं, जिन्होंने चिपको आंदोलन किया था और वन संपदा को हमारी बचाया था, उत्तराखंड को बचाया था। उसी चौक के ठीक सामने आप पेट्रोल पंप देखेंगे, और उस पेट्रोल पंप के बगल में आप देखेंगे तो किस प्रकार ये व्यक्ति जो बरेली से आया है और वो यहाँ पर ठेली की आड़ में शराब बेच रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। वैसे तो पूरा उत्तराखंड ही देवभूमि कहा जाता है, लेकिन ऋषिकेश एक ऐसा स्थल है जिसे तीर्थ नगरी, देव नगरी कहा जाता है, और कुंभ नगरी का एक बड़ा हिस्सा भी ऋषिकेश को माना जाता है। अब ऋषिकेश तीर्थ नगरी कभी रहा होगा, लेकिन वर्तमान में ऋषिकेश एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। ऋषिकेश का विस्तार हो गया है, और ऐसे विस्तारित शहर में खुलेआम सड़क पर अगर शराब बिकती हुई आपको नजर आए तो कोई आश्चर्य नहीं होता। वैसे राज्य सरकार एक एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी पिछले 2-3 वर्षों में, जिसके हिसाब से नगर निगम की सीमा के बाहर शहर भर में ऋषिकेश में शराब की कई दुकानें खोली गई, जो लग्जरी ब्रांड्स है, जो महंगा ब्रांड है शराब का, उसे खोला गया। और सरकार का तर्क था कि इससे जो अवैध कारोबार है शराब का वो सीमित होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऋषिकेश में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव में शराब की तस्करी लगातार होती रही। इस तस्करी का भंडा फोड़ने की कोशिश कभी भी ना तो आबकारी विभाग ने करी और ना ही कभी उत्तराखंड पुलिस ने करी, लेकिन ऋषिकेश के कुछ लोगों ने मिलकर, युवकों ने मिलकर सरकार की नाक के नीचे चल रहे अवैध धंधे को ध्वस्त करने का बीड़ा उठाया। योगेश डिमरी एक पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से इन्होंने शहर भर के कई हिस्सों से शराब तस्करी की खबर की रिपोर्ट करी। अगर आप योगेश डिमरी के वीडियोस को देखें, रिपोर्ट्स को देखें, तो उससे अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से ऋषिकेश के कई हिस्सों में अवैध शराब बिकती थी। रिपोर्ट को पहले आप देख लीजिए, कुछ हिस्सा रिपोर्ट का देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, हम इस वक्त हैं गौरा देवी चौक में, और गौरा देवी को आप जानते ही हैं, जिन्होंने चिपको आंदोलन किया था और वन संपदा को हमारी बचाया था, उत्तराखंड को बचाया था। उसी चौक के ठीक सामने आप पेट्रोल पंप देखेंगे, और उस पेट्रोल पंप के बगल में आप देखेंगे तो किस प्रकार ये व्यक्ति जो बरेली से आया है और वो यहाँ पर ठेली की आड़ में शराब बेच रहा है। तो आपने देखा, ये सिर्फ एक रिपोर्ट थी जो शहर के मेन चौराहे के इर्द गिर्द शराब की बिक्री ठेले पर हो रही थी, उसकी रिपोर्ट करते हुए योगेश डिमरी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ऐसे लगभग 8-10 स्थानों पर योगेश डिमरी अपनी टीम के साथ लगातार पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट कर रहे थे, और ये बात शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरी। चाहे वो आबकारी विभाग है, उसकी आंखों से ये सारी चीजें कैसे छूट रही थी, पुलिस की नजरों से कैसे छूट रही थी, ये एक अलग सवाल है। अब योगेश डिमरी एक खबर के सिलसिले में एक क्षेत्र में पहुंचता है, उन्हें शायद वहां पर ट्रैप किया गया, फंसाया गया, और वहां पर कुछ लोगों ने मिलकर योगेश डिमरी पर हमला कर दिया। योगेश डिमरी के साथ आए बाकी लोग भागने में सफल हो गए, लेकिन योगेश डिमरी वहां फंस गए, और योगेश डिमरी को बुरी तरीके से मारा पीटा गया। योगेश डिमरी के सर पर ऐसा वार किया गया कि उनके सर पर कई टांके लगे हैं, योगेश डिमरी का जबड़ा तोड़ दिया गया, योगेश डिमरी के पैर में रॉड से वार किए गए, और उनका दाहिना पैर पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो गया। पहले ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में योगेश डिमरी का इलाज हुआ, लेकिन जब लगा कि मामला सीरियस है, उसके बाद योगेश डिमरी को एम्स ऋषिकेश में रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनसे मिलने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के कई लोग पहुंचे हैं और उनके पक्ष में खड़े हैं। ऋषिकेश में कई जगह बाजार बंद कराए गए, और सरकार पर, पुलिस पर, आबकारी विभाग पर दबाव बनाया गया, लेकिन इन सब का कोई भी असर नहीं हुआ। योगेश डिमरी सिर्फ एक नाम है,
जिसने अवैध शराब के कारोबार का खुलासा करने की कोशिश की और नतीजा हम सबके सामने है। योगेश डिमरी की हालत इन तस्वीरों में देखी जा सकती है कि योगेश डिमरी का किस तरीके से इलाज चल रहा है, कितनी पिटाई कुछ गुंडों ने उनकी की है। अब वो लोग कौन है, पुलिस कहती है कि जब तहरीर दी जाएगी तब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिन दुकानों के आसपास, जिन क्षेत्रों में योगेश डिमरी ने रिपोर्ट किया था और वहां से अवैध शराब की खबरें आई थी सबूतों के साथ, वहां पर क्या कार्रवाई हुई, यह भी पुलिस को और आबकारी विभाग को खास तौर पर बताना चाहिए। वैसे अगर किसी भी क्षेत्र में कोई भी अवैध धंधा होता है तो वो किसी ना किसी के संरक्षण में होता है, ये बात हम सारे लोग जानते हैं। अब किन लोगों का संरक्षण ऐसे लोगों को था जो खुले रूप में शराब की बिक्री ऋषिकेश में कर रहे थे। ऋषिकेश को तीर्थ नगरी तब तक कहा जाता था जब कभी यह तीर्थ नगरी हुआ करती होगी, लेकिन जब खुद ही सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया था और इसी आधार पर किया था कि अवैध शराब का धंधा बंद हो सकेगा और लोगों को वैध तरीके से शराब पीने के लिए दुकानें उपलब्ध कराई गई, तो फिर यहां पर अवैध शराब की बिक्री क्यों होने लगी। वास्तव में बड़े ब्रांड की महंगी शराब ऋषिकेश के जो बाहरी क्षेत्र है वहां पर खोली गई और जो पर्यटक थे या जो महंगी शराब पीने के शौकीन थे वो लोग तो इन दुकानों में जाते थे, लेकिन जो सस्ती शराब थी उसके लिए कोई भी दुकान राज्य सरकार ने आसपास के क्षेत्रों में खोली नहीं। और कहा जाता है कि शराब माफियाओं के दबाव में ही सस्ती शराब की दुकानें यहां पर कई वर्षों से नहीं खोली गई और इसी की आड़ लेकर कई लोग यहां पर शराब का अवैध कारोबार करते रहे हैं। अब कुछ लोगों को एक मुद्दा मिला और उन्होंने जो अवैध धंधा शराब का होता था गली मोहल्ले में उसको उजागर करना शुरू किया और योगेश डिमरी उन्हीं में से एक थे। योगेश डिमरी के समर्थन में शहर भर के कई सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। पुलिस पर कितना दबाव बनेगा यह मालूम नहीं है, पुलिस क्या कार्रवाई भविष्य में करेगी यह भी मालूम नहीं है, लेकिन हकीकत सबको मालूम चल चुकी है कि ऋषिकेश में खुले रूप में शराब का कारोबार चलता था, किसी ना किसी का संरक्षण तो था ही। अब यह खुलासा होना बेहद जरूरी है किन किन लोगों ने ऐसे कारोबारियों को संरक्षण दिया हुआ था और पुलिस या आबकारी विभाग आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने से बचता क्यों रहा इतने दिनों तक। पुलिस ने योगेश डिमरी पर हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर सुनील गंजा को गिरफ्तार कर लिया है। सुनील गंजा की बकायदा फोटो थाने में भी लगी हुई है और ये हिस्ट्री शीटर है। दबाव थोड़ा काम तो आया लेकिन व्यवस्था सुधरेगी इस पर अब खास तौर पर नजर रखनी पड़ेगी और अवैध शराब का धंधा ऋषिकेश से बंद करना पड़ेगा। ये दबाव अब आबकारी विभाग के ऊपर पड़ गया है, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा आबकारी विभाग को कि ऐसी अवैध शराब आखिर कैसे बिकती रही इतने सालों तक।